हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। अल्ट्रासाउंड के अंदर आप सभी लोग जानते हैं कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर अल्ट्रासाउंड काम करता है, और ये सवाल मुझसे काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी पूछ रहे थे कि सर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हिंदी में समझाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में भी आता रहता है। तो आज की वीडियो में हम आपको सिंप्लीफाइड वे में समझाएंगे कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया था पायरी और जैकस क्वेरी ने 1880 के अंदर, 1880s के अंदर इस फिनोमेना को डिस्कवर किया गया था। यह फिनोमेना क्या होता है कि हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स को प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो गया या सिरेमिक हो गया या कुछ पॉलीमर्स हो गए, जब इनके ऊपर हाई वोल्टेज या स्ट्रेस डाला जाता है तो ये लोग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। इसी को हम बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि अगर किसी क्वार्ट्ज क्रिस्टल पर मैकेनिकल स्ट्रेस दिया जाए तो वो डिफॉर्म होता है, इसके रिस्पॉन्स में वो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करता है। इसी फिनोमेना को अपन बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी के अंदर जो अल्ट्रासाउंड यूज़ होता है उसके अंदर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे काम करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर एक हेड होता है जिसको हम ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं, जिसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल या टाइटेनिक जिरकोनेट का क्रिस्टल होता है। इस क्रिस्टल के अंदर होता क्या है, जब वोल्टेज दिया जाता है, जब करंट दिया जाता है, तो ये क्रिस्टल डिफॉर्म होना शुरू करता है और इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करता है, हाई साउंड फ्रिक्वेंसी को जनरेट करता है। तो जब ये हाई साउंड फ्रिक्वेंसी जब हमारे टिश्यूज़ में जाती है, इन रिस्पॉन्स टू दिस हाई साउंड फ्रिक्वेंसी हमारे टिश्यू के अंदर वाइब्रेशन होता है, और ये वाइब्रेशन की वजह से हमारे टिश्यूज़ के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और बेसिकली ये हमारे इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, स्वेलिंग को कम करने में ये मदद करता है। तो कुछ इस तरीके से अल्ट्रासाउंड थेरेपी के अंदर आपका पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से आपको थेरेपेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है अल्ट्रासाउंड थेरेपी में। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम करता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।